नमस्कार, मैं रविकुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी इंडिया। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। फरीदाबाद की अरावली की पहाड़ियों में हजारों मृत जानवरों के अवशेष मिलने से जिला प्रशासन और पुलिस के होश उड़ गए हैं। मौके पर चारों ओर मृत गाय, नील गाय और दूसरे जानवरों के हजारों शव पड़े हुए थे और साथ ही चारों ओर खून, मांस और लोथड़े और हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। सुबह बंदरों को खाने डालने वाले लोगों ने इस बात की सूचना प्रशासन को दी तो मौके पर पुलिस पहुंच गई और आगे की कार्यवाही में जुट गई। राहुल, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक बाबा है। आप कहाँ से हैं, कौन से उससे हैं? मैं एक अपना फरीदाबाद गोरक्षा दल से हूँ और गायों की देखरेख करता हूँ मैं सुबह शाम। दरअसल आज रोजाना की तरह हर मंगलवार को हम अपने पहाड़ियों में बंदरों को गाजर खिलाने के लिए आते हैं। आज भी हम बंदरों को गाजर खिलाने के लिए आ रहे थे तो एक बंदर अंदर की तरफ भागने लगा, तो हमने देखा कि बंदर अंदर की तरफ भाग रहा, तो हम उसके पीछे पीछे हो लिए कि आगे भी बंदर काफ़ी होंगे। तो आगे जाके देखा तो हमने भारी मात्रा में गोवंश यहाँ पर कटा हुआ देखा। कुछ 4 से 5 आदमी गोवंशों को काट रहे थे और हमें तुरंत देखकर वहाँ से भाग गए। जैसे ही हमने उनको बोला कि भाई इसको मत करो, हमें जान से मारने की धमकी देते हो, भाग गए। हमने आगे भी पता किया कि भाई ये गोवंश कैसे है, कहाँ पर है। हमें पता चला कि कुछ MCF से कोई पर्चा ले रखा किसी ने, MCF वालों से हमारी बात हुई है। वहाँ पर कोई भी ऐसा कोई चिन्हित जगह नहीं है, पूरे फरीदाबाद के अंदर कोई ऐसी जगह चिन्हित नहीं है MCF की तरफ से जहाँ पर गोवंशों को काटा जा सके। हमने यहाँ पर नील गायें भी काफ़ी देखी हैं जो कटी पड़ी हैं, उनके अवशेष देखे हैं काफ़ी भारी मात्रा में और तुरंत ही हमने कंट्रोल रूम को सूचना दी। खाल भी उतार रखी है और जगह जगह खाल के ढेर भी लगा रखे हैं इन्होंने। इनके अवशेषों के जो मतलब नस वगैरह हैं उनके भी क्या नाम ढेर लगे हुए हैं, उनका क्या है मतलब? भारी मात्रा में गोवंश की नसें हैं, पता नहीं उनका क्या करते हैं। इसमें अगर खुलासा किया जाए तो बहुत बड़े एक रैकेट का खुलासा हो सकता है। इन यहाँ पर कम से कम 2 से 3 हज़ार की मात्रा में गोवंशों की खालें हैं जो मौके पर हमारे रखी हुई हैं। मांस है बहुत भारी मात्रा में, उनके अवशेष हैं, खुर हैं, मुँह है, बहुत भारी मात्रा में है। नील गायों के अवशेष हैं, कुछ वैसी गोवंश के अवशेष हैं और गायों की नसें हैं भारी मात्रा में जो सुखा रखी हैं इन्होंने बाड़े बना के। इतना बड़ा स्कैंडल किसी मिली भगत से नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकता, बड़ी मिली भगत से ये काम हो रहा। कुछ कट्टे जो आपने देखे थे मौके पे सुबह, वो गाय भी बता रहे हैं आप? बहुत कट्टे थे, काफ़ी मात्रा में उनमें क्या गोवंश गोमांस भरा हुआ था वो अब नहीं है, यहाँ से गायब हो चुके हैं वो कट्टे अंदर पहाड़ों। सुबह बता रहे हैं कि कुछ पुलिसकर्मी को आपने सूचना भी दी थी, मोटरसाइकिल बरामद करके दी थी और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ जी, सुबह बिल्कुल जल्द 11-12 बजे के करीब पुलिसकर्मी आए थे, वहाँ पर मोटरसाइकिल भी उनको बरामद करके दे दी गई है और उसके बाद अब तक कार्रवाई, इसमें हमने दरखास्त अब लिख के भी दी है, आगे अब देखते हैं अभी तक क्या हुआ है। बाकी पुलिसकर्मी मौके पर आ गए हैं। क्या चाहते हैं आप सरकार से, क्या मांग? हम यही चाहते हैं इतने बड़े पैमाने पर जो गोवंश की ये तस्करी हो रही है इसको बंद किया जाए, चाहे इसमें MCF का कोई कर्मचारी दोषी है या किसी की भी मिली भगत से ये काम हो रहा है, सबको दंडित किया जाए और कठोर से कठोर दंड दिया जाए। हम ये चाहते हैं क्योंकि पहले ही गायब हो चुका है। क्या नाम है सर आपका? सर नाम है मेरा मयंक। मैं कहाँ रहते हैं आप? हम मैं फरीदाबाद सेक्टर 3 में रहता हूँ जी। अच्छा, मैं का आज यहाँ पे जो गोवंश का जो आपने देखा है ये किस तरीके से आपको पता लगा और कैसे आप यहाँ? जब हम डेली बेस पे यहाँ पे ना जानवर को खाना खिलाने आते हैं जी, बाहर गाय बंदरों को, ठीक है जी। जैसे हम यहाँ पे बाहर रोड पे थे तो यहाँ पे एक बंदर था जिसके ना दोनों हाथ में मतलब घायल अवस्था में था, हमने सोचा पकड़ के हम उसकी वो करेंगे। इसी देर में मैंने अपने गुरुजी को फोन कर दिया, हम 3 भैया हमारे जो बड़े भाई हैं हमारे रविंद्र भाई ये साथ में थे, तो जब तक ये भैया पीछे से गाजर और वो सामान लेकर आ रहे थे, जब तक हम वो बंदर अंदर भागता है हमें पकड़ने के उसमें थे कि उसका हम इलाज कर देंगे। तो इस चक्कर में जब तक हमने यहाँ देखा तो हमने गाड़ी यहाँ पे यहाँ तक लेके आए, देखा तो यहाँ जी गाय बिल्कुल ठीक ठाक थी, जो कि आधे घंटे बाद उसको काट दिया गया। जब हमने उनकी वीडियो लेने लगे तो वहाँ से एक शख्स था जो वहाँ 4-5 बैठे हुए थे, जो अपने चाकू को क्या हथियार को कर रहे थे, जो उसने दूर से दिखाया हमें कि हमें ऐसे ऊपर कर रहा था। इस देर में हम वहाँ से गाड़ी लेकर हमें चले गए, तो जब हमने भैया आ गए हमारी पूरी गुरु जी आ गए टीम आ गई, उनको देखने के बाद हमने जब यहाँ पे अंदर जायजा करा तो वहाँ वीडियो भी बनाई, तो यहाँ पे बोरे भी पड़े थे, उनके कपड़े भी तक पड़े थे, अब वो भी नहीं है यहाँ पे, ना वो कपड़े हैं ना उस समय बोरे। हमें प्रशासन से उस समय कहा था कि कार्रवाई करवाई दी जाए, उन्होंने कहा जी आके पहले FIR दर्ज करो, करते करते इतनी शाम होगी, जिन्होंने दक्षिणों ने यहाँ से सारा सामान
एक्सपायर कर दिया है, अपने उठा के ले गए हैं बोरे और कपड़े। बाकी हमारे बड़े भाई बैठे हैं, वो बताएंगे सारी चीज डिटेल में। पुलिस को भी शिकायत दी थी, क्या पुलिस मौके पर पहुंची थी? हाँ जी, 112 पे हमने कितनी बार कॉल कर ली जो कि नहीं लगी थी। लास्ट में जाकर फिर हमने गुरुजी को कॉल करा तो गुरुजी ही हमने आ चुके थे। सर, सूरजगढ़ की पहाड़ियों में आपके सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के इलाके में काफी सारे जो पशु हैं वो मृत अवस्था में मिले हुए हैं और वहाँ पे उनकी खालों को, उनकी नस वगैरह है या हड्डी वगैरह, उनको अलग अलग तरीके से डाला हुआ है। एक अशोक नाम के शख्स ने आपको शिकायत भी दी है, तो सर क्या है ये पूरा मामला? अशोक ने आज एक शिकायत दी है कि भाई जो पाली रोड के साइड में पहाड़ी है उसमें करजन नाम का जो व्यक्ति है जिसने MCF से जो मरे हुए पशु हैं उनको उठाने का ठेका उसके पास है, वो पशुओं को जो शहर में मर जाते हैं उनको उठा करके जाता है, यहाँ उनकी खाल वगैरह उतारता है। सर, बताया जाता है कि उसके पास जो MCF की तरफ से है ठेका तो है, लेकिन उसके पास कोई निश्चित जगह तय नहीं की गई है, बावजूद उसके वो यहाँ पे जंगल में ला के डाल रहा है, ऐसा क्यों? देखो, उसके बारे में अभी शिकायत दी है और पता करेंगे MCF से भी उसका ठेका कहाँ से है, यहाँ पे है या दूसरी जगह पे है, वो चिन्हित कराएंगे, उनसे पता कर लेंगे। तो सर, कई हमने मौके पे जाके देखा है कि उसमें 1, 2, 3, 4 जो है, कई 1, 2, 3, 4 के ज़्यादा ही हैं जो नील गाय भी हैं, जो नील गाय वहाँ पड़ी हुई है, गाय के साथ साथ नील गाय भी हैं और भैंस के जो वो भैंस पशु है उसके भी कहना वहाँ पर पड़े हुए हैं, बच्चे भी पड़े हुए हैं। तो मौके पर जाकर देखने से पता लगता है कि किसी तरीके से कोई यहाँ पे अव्यवस्था फैलाने वाली जो है कोशिश की जा रही है, तो इसके बारे में क्या करेंगे सर? नहीं है व्यवस्था, मेरी बात हुई है वहाँ पे जो टीम गई है मौके पे, अव्यवस्था वाली कोई ऐसी कहानी नहीं है, ना कोई ऐसा इश्यू है, लेकिन हाँ वो मरे पशुओं की यहाँ खाल उतारते हैं, ये बिल्कुल सही है, और करजन के द्वारा ही उतारी जा रही है। शिकायत दी है सर, शिकायत में जो शिकायत करता है, अब शिकायत के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम उसकी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ, जो भी दोषी होगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, अरावली क्षेत्र के अंदर जो मरे हुए जो जानवर हैं जिनको शहर से उठाने का ठेका जो दिया गया था वो गलत जगह उसको डिस्पोज कर रहे हैं, उस जगह पे प्रदूषण फैला रहे हैं, क्या कोई ऐसी जगह अलॉट की गई है फरीदाबाद के मरे पशुओं को अरावली क्षेत्र में डालने के लिए? ये जो मामला आज हमारे संज्ञान में आया, इस व्यक्ति को हमने कोई जगह अलॉट नहीं की हुई है अरावली एरिया में, जो भी इसके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो डिपार्टमेंटल तो सर सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से इसने अरावली का जो क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है और वन क्षेत्र है जो, उसको बिल्कुल पूरी तरीके से प्रदूषित कर दिया, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में वहाँ पे मृत पशु डाले हुए हैं, चारों तरफ ब्लड वगैरह है, उनके अवशेष वगैरह है, किस तरीके से डिस्पोज कर रहे हैं, तो क्या तरीका है सर, किस तरीके से इनको कहाँ के लिए अलॉट किया गया था? नहीं, हमारी तरफ से एरिया कोई भी अलॉट नहीं किया हुआ है इसको, इसको खुद ही अरेंजमेंट करना था ठेकेदार को, कहाँ इनको लेके जाएगा। हमारी तरफ से सिर्फ इतना ही है MCF की तरफ से कि साइंटिफिक डिस्पोजल होना चाहिए डेड एनिमल्स का, फरीदाबाद हो या बाहर कहीं हो, हाँ वो कहीं भी हो, वो उसका जगह का अरेंजमेंट उसी को करना है जी। अगर उसने किसी गलत जगह पे किया है, जैसा कि आप बता रहे हैं पोल्यूशन उसने फैला दिया ये फॉरेस्ट एरिया में, तो उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डील करेगा, जो भी उसके खिलाफ एक्शन बनता है वो लोग लेंगे, हम टेंडर के अकॉर्डिंग जो बनता है वो एग्रीमेंट के बेसिस पे उसके खिलाफ एक्शन इनिशिएट।